अब हम आपको धमतरी जिले के गांव की एक ऐसी परंपरा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। इस गांव में एक सदियों से परंपरा चली आ रही है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए रिपोर्ट। भले ही आज जमाना चांद सितारे पर चला गया हो, लेकिन आज भी गांव में कई ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही है। धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर नगरी इलाके में संदबहरा गांव है। यहाँ महिलाएं ना तो श्रृंगार करती हैं और ना ही खाट पर सोती हैं। यहाँ पर लकड़ी की बनी हुई कोई भी वस्तु पर नहीं बैठती। हैरत की बात तो यह है कि इस गांव की महिलाएं अपनी मांग पर सिंदूर तक नहीं भरती। ऐसी मान्यता है कि अगर महिलाएं ऐसा करेंगी तो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगी या फिर उससे कोई ना कोई बीमारी जरूर हो जाएगी। दरअसल इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गांव की देवी ऐसा करने से नाराज हो जाती है और गांव पर संकट आ जाता है। तो हमारे गांव के डोंगरी में एक देवी है, वो देवी के आधार पर हमारे पूर्वज चलते हैं और हमारे पूर्वज हमें बताए कि हमारे गांव के जो महिला मन है गांव भीतर में कहीं श्रृंगार नहीं करें। गांव प्रमुख की माने तो 1960 में एक बार गांव के लोगों ने इस परंपरा को तोड़ा था, जिसके बाद गांव की महिलाओं को कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया और मौतें भी होने लगी। यहाँ तक जानवर मरने लगे और बच्चे बीमार होने लगे। सबको यही लगने लगा कि ये देवी का प्रकोप है और परंपरा टूटने के कारण ऐसा हुआ। बस इसके बाद किसी ने भी इस परंपरा को तोड़ने की हिमाकत नहीं की। महिलाएं नहीं खाट में बैठते हैं, ना ही सिंदूर डालते हैं। वहां की एक प्रथा है, एक देवी है, वो देवी के आदेश के अनुसार वहां की महिलाओं को किसी भी प्रकार का ये सब साजू श्रृंगार में रोक लगाया गया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मामले की जानकारी होने पर अब गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने और अंधविश्वास को छोड़ने के लिए प्रयास करने की बात कह रहे हैं। तो ये एक प्रकार का अंधविश्वास है। हम सब महिलाएं जाकर पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे मिले और अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश करें। बहरहाल संदबहरा गांव अपने इस अजब परंपरा के चलते पूरे इलाके में मशहूर है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाली नई पीढ़ी इस परंपरा को मानती है या फिर इसे एक अंधविश्वास मानकर तोड़ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।